भारत में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर रोज बढ़ता ही जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बढ़ते मामलों के चलते हालात बीते साल की तरह होते जा रहे हैं। शनिवार को देश भर में 25,320 नए केस सामने आए हैं। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में संक्रमण के चलते 161 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार को मरने वालों का आंकड़ा 140 था और कोरोना के मामले 25,000 से कम थे। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार को देश भर में कोरोना के 210,544 एक्टिव केस दर्ज किए गए। एक तरफ 16,637 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे, तो वहीं 25,000 से ज़्यादा नए लोग इसका शिकार हो गए। संक्रमण के मामले महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे 6 राज्यों में चिंताजनक हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, NCR समेत अन्य तमाम राज्यों में हालात अभी सामान्य हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को COVID-19 के 15,602 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 22,97,793 पहुंच गई। राज्य में 88 और लोगों की महामारी से मौत होने की पुष्टि हुई है। राज्य में अब 1,18,525 लोग उपचाराधीन हैं। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 13 मार्च तक देश भर में 2,97,38,409 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को COVID-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 15,19,952 लोगों को टीका लगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना से एक भी संक्रमित शख्स की मौत नहीं हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से मिली है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.40% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। कोरोना एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का 11वां स्थान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।